Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. तो आज मैं आप सबके लिए लेमन कोरिएंडर राइस विद क्रीमी मशरूम की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, तो सोचा आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और अब मैं उसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना बटर ऐड कर दूंगी, साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूंगी। फिर जैसे ही बटर जो है वो हल्का सा मेल्ट होने लग जाएगा तो इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितने फाइनली चॉप गार्लिक को ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसे बस 2 मिनट के लिए सौते कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें 1 से 2 स्लाइस किए हुए अनियंस ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का 1 स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड कर दिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए सौते कर लीजिएगा, जब तक कि जो अनियन है वो इस तरीके का ना दिखने लगे और हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो देखिए अब जो अनियन है वो अच्छी तरीके से ट्रांसलूसेंट हो चुका है, तो अब फ्लेम को लो कर दीजिएगा और यहाँ पे फाइनली चॉप कोरिएंडर ऐड कर दीजिएगा। और जब आप धनिया ऐड करेंगे तो जो फ्लेम है उसको लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पहले से कुक किए हुए बासमती राइस ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें यहाँ पर मैं जो हमारा नींबू होता है उसका जो जेस्ट होता है उसको यहाँ पे ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, इसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर सेम इसी नींबू को मैं आधा काट करके इसमें ऐड कर दूँगी, उसका रस भी इसमें ऐड करने के बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा और फिर सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पर मिक्स कर दीजिएगा ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो चावल के साथ अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। जब सभी चीज़ें चावल के साथ अच्छी तरीके से कोट हो जाएं तो इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही कुक कर लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा कुक मत करिएगा क्योंकि जो चावल हैं वो ऑलरेडी कुक्ड हैं। तो देखिए हमारे जो लेमन कोरिएंडर राइस हैं वो बन करके एकदम तैयार हैं और देखिए सारे चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे। तो अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब आगे की प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मशरूम ले लिया है, ये 200 ग्राम्स वाला पैकेट है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसको क्लीन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका पैकेट कट कर रही हूँ, उसके बाद इसे एक बोल में निकाल लीजिएगा। फिर मशरूम्स को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोई भी फ्लावर ले लीजिएगा, चाहे वो आटा हो चाहे वो मैदा हो। तो यहाँ पर मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोल में इन्हें निकाल लिया और उसके बाद थोड़े से आटे के साथ, सॉरी मैंने मैदा बोल दिया, थोड़े से आटे के साथ इसे अच्छी तरीके से कोट कर लीजिएगा और इसे अपने हाथों की हेल्प से थोड़ा सा रब कर लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो डाल करके इन्हें रिंस कर लीजिएगा। तो देखिएगा जो हमारे मशरूम्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी इनको पील वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो मशरूम है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें क्वार्टर्स में या फिर हाफ्स में कट कर लूँगी। ये डिपेंड करता है कि आपका मशरूम कितना बड़ा है। अगर आपका मशरूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 4 पीसेस में कट कर लीजिएगा और अगर आपका मशरूम छोटा है तो उसे सिर्फ हाफ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने मशरूम्स को कट कर दिया है, अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए जिस पैन में हमने राइस बनाए थे सेम उसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और फ्लेम को हाई रखिएगा। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप गार्लिक और 1 से 2 हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर दीजिएगा और इसे बस 2 मिनट के लिए सौते करिएगा। उसके बाद इसमें जो हमने चॉप किए हुए मशरूम्स रखे थे उन्हें भी ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सॉल्ट ऐड करेंगे मशरूम बहुत सारा पानी रिलीज़ करेंगे, तो आपको इसको अब हाई फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि जो मशरूम्स हैं उनका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और वो साइज़ में थोड़े से छोटे भी हो जाएंगे। तो आप इसे हाई फ्लेम पर कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए कुक करिएगा। देखिए अभी इसमें कितना सारा पानी है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा और मशरूम्स भी गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो देखिए अब 5 से 8 मिनट के बाद जो मशरूम्स हैं उनका कलर भी चेंज हो गया है और पानी एकदम कम रह गया है, पहले कितना ज़्यादा पानी था। तो इस स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब सेम इसी पैन में मैं 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद इसे तब तक कुक करिएगा जब तक कि जो मैदा है उसमें से कच्ची स्मेल ना चली जाए। हमें इसका सॉस बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम व्हाइट सॉस पास्ता का सॉस रेडी करते हैं। देखिए मैं मैदे को अच्छी तरीके से बटर के साथ मिक्स कर रही हूँ और फिर इसे 5 से 8 मिनट के लिए कुक करूँगी जब तक कि इसमें से कच्ची स्मेल ना चली जाए और ये हल्का सा कलर में चेंज भी हो जाएगा। तो देखिए अब इसे मिक्स करते करते टाइम हो गया है और इसकी कच्ची स्मेल भी चली गई है।
तो अब इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करिएगा और इसके बाद इसके जितने भी लम्स हैं उन्हें आप या तो स्पैचुला की हेल्प से या फिर विस्क की हेल्प से भी तोड़ सकते हैं। तो आज मैं दोनों चीज़ों को यूज़ करके इसको एकदम लम्ब फ्री बना करके रेडी करूंगी। तो ध्यान रखिएगा जो सॉस है उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए आप मिल्क को बैचेस में ही ऐड करिएगा, एक साथ पूरा दूध मत ऐड करिएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया, अब इसे मैं स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करके इसके सारे लम्स को तोड़ लूँगी। तो देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ों के साथ मिक्स करते करते मैंने इसमें टोटल 400 ml मिल्क ऐड कर दिया है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सॉस बना करके रेडी कर रहे हैं और आपको कितना थिक सॉस चाहिए। हमें थोड़ा सा मीडियम थिक सॉस ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें 400 ml दूध ऐड किया है। तो उसके बाद इस कंसिस्टेंसी का सॉस बन करके रेडी हो गया है। तो अब जो मशरूम हमने साइड में रखे थे उन्हें भी इसमें ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा ओरिगैनो ऐड कर दीजिएगा, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिएगा और स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास आज नहीं था इसलिए मैं इसमें मैगी का मैजिक मसाला ऐड कर रही हूँ, तो इसमें मैंने वो भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद इसे बस 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो सॉस है वो बन करके रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने मशरूम्स वगैरह सब ऐड कर दिया था, तो जो हमारे क्रीमी मशरूम्स हैं वो बन करके एकदम तैयार हैं। तो चलिए अब इसे प्लेट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे एक ट्रे में हाफ साइड राइस के साथ हाफ साइड मैंने मशरूम्स को रख दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप एंजॉय करिएगा। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।